नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है, वहीं 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव दो चरणों में बांटा गया था। 4 मई को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए पार्टी से लेकर प्रत्याशी अपनी पूरी दमखम दिखा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, पार्टियों के साथ साथ प्रत्याशी भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं आज नगर संग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे इरशाद अहमद, जो कि बाराबंकी के फतेहपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। सपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, जनता के बीच इन्होंने जाकर अपना एक खास पहचान बनाई है। कोरोना काल में इन्होंने बहुत लोगों की मदद की है। बता दें कि लोगों का जनाधार इनके साथ दिख रहा है। समाजसेवी के रूप में इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। तो नगर संग्राम में अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इरशाद अहमद, जो कि बाराबंकी के फतेहपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। तो नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए लगातार पार्टी से लेकर प्रत्याशी पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं और उनके लिए उनके हर कामों को पूरा करने का वादा भी कर रहे हैं। तो नगर संग्राम में आज हमारे साथ जुड़ेंगे इरशाद अहमद, जो कि बाराबंकी के फतेहपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। सपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, जनता के बीच इन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है। कोरोना काल में इन्होंने सबकी मदद की थी, जनता का जनाधार इनके साथ दिख रहा है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण मतदान के लिए लगातार पार्टी से लेकर प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, पार्टी से कार्यकर्ता नेता सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ बाराबंकी के फतेहपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं इरशाद अहमद, अभी थोड़ी ही देर में हमसे जुड़ेंगे। सपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। इरशाद अहमद, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्राइम टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। इरशाद, आपके राजनीतिक करियर के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे, कैसा रहा अभी तक का सफर आपका? हमने 92 से छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और लखनऊ के सबसे बड़े महाविद्यालय सीआरपीजी कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री मैं 92 में रहा और आज वर्तमान समय में भी मैं शिया कॉलेज ओल्ड बाज एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शुरुआत से ही प्रदेश कमेटी में समाजवादी पार्टी के है, यूथ के काम विंगों में हम प्रदेश सचिव और कई जनपदों के प्रभारी रहे। फिर जब आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुए तो उनकी कार्यकारिणी हम राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहे, फिर दोबारा उनकी कार्यकारिणी में हम विशेष आमंत्रित सदस्य रहे। तो समाजवादी पार्टी तो हमारे रग रग में बसी हुई है जी। इरशाद जी, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति में आप अपना मार्गदर्शक किसको मानते हैं? हम अपना मार्गदर्शक अपने पिता स्वर्गीय मौलाना सिराज अहमद कमर जी, जो एक यहाँ की फतेहपुर की जामा मस्जिद और ईदगाह के इमाम थे, उनको और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी को अपना आदर्श मानते जी। इरशाद जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं जो कि सबसे पहले आप अपनी प्राथमिकता में रखते हैं कि जीतने के बाद इसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा? हमारे यहाँ जो हमारे जनपद की नगर पंचायत फतेहपुर है, जनपद की सबसे बड़ी नगर पंचायत है और सबसे पिछड़ी नगर पंचायत है, हम इसको सबसे अगड़ी नगर पंचायत के रूप में देख सकते हैं जी। और हमारी नगर पंचायत में न तो एक पार्क है, ना एक प्ले ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए, ना एक कल्याण मंडप है। हमारी प्राथमिकता होगी कि तीन मूल समस्याओं को तो प्राथमिकता के आधार पर हम पूरी करेंगे, कल्याण मंडप, एक पार्क, एक प्ले ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए। उसके अलावा जो बड़े पैमाने पर हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है गृहकर, तो बोर्ड की पहली बैठक में अगर जनता ने हमें चुना तो उस गृहकर को हम आधा कर देंगे। उसके अलावा गंदगी का बहुत प्रकोप है, हमारे यहाँ के नाली नाले तालाब इतने गंदे हैं, हम समझते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं इतनी गंदगी नहीं होगी जितनी हमारी नगर पंचायत से है। तो युद्ध स्तर पर उसकी साफ छिड़काव, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। उसके अलावा हमारे यहाँ पटरी दुकानदारों की
और जो ये साप्ताहिक बाजार लगती हैं, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का भी समाधान हमें शुरुआती दौर में ही करना होगा। इशाद जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता ऐसी कौन कौन सी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बड़ी समस्याएं जो है जो दिखने को मिलती है, कब जल भराव की बड़ी समस्या रहती है क्षेत्र में, तो क्षेत्र में ऐसी अभी कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्या नजर आ रही है? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जल भराव, बारिश का मौसम आता है तो जल भराव और तालाबों में गंदगी, नाली नाले जाम हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं जी। और मतलब इतनी जबरदस्त बीमारियां फैलती हैं जिसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, ना दवाओं का छिड़काव होता है, अब तक नहीं हुआ, ना मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं, डेंगू जैसी बीमारी आजकल मतलब बहुत ज्यादा समस्या करते हैं, तो इसके लिए कोई नगर पंचायत की तरफ से इसका कोई समाधान नहीं किया जाता है, तो युद्ध स्तर पर ये कार्य किए जाएंगे जो जनता से सीधे जुड़े हुए, जन जनता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए, जीवन से जुड़े हुए, उन समस्याओं को दूर करना हमारी प्राथमिकता होगी। इशाद जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं किस एजेंडे के साथ? हमारा मेन एजेंडा ये है कि हम तो जनता के बीच में नफरत की बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेकर चल रहे हैं। किसी शायर ने कहा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम चाहते ये हैं कि जैसा कि हमारा ये तारीखी कस्बा फतेहपुर, जहां हमने अपने बचपन से देखा है कि हिंदू मुस्लिम हर त्योहार में हर समय साथ रहे हैं, तो आगे आगे भी हमारे साथ सब लोग रहें और हिंदू मुसलमान की एकता को कायम करना हमारी प्राथमिकता होगी, जो हमको अपने स्वर्गीय पिता मौलाना सिराज अहमद कमर से मिली। इशाद, शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या रहती है क्षेत्र में, इसको लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगे? शिक्षा की समस्या बहुत है और यहाँ से लोग, चूंकि मैं लखनऊ छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, शासन का महामंत्री भी रहा, तो यहाँ से छात्र बहुत कम तादाद में हाई स्कूल और इंटर करके लखनऊ पहुँचते थे। हम चाहते ये हैं कि यहाँ शिक्षा के मामले में लोगों जागरूक किया जाए और यहाँ से हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो पढ़कर लखनऊ और अदर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे और अच्छी शिक्षा हासिल करके फतेहपुर का नाम रोशन करें। इशाद जी, महिलाओं और बेटियों के लिए अपने क्षेत्र में क्या कुछ करना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे ये कि उनके लिए जो कढ़ाई का काम करती हैं, सिलाई का काम करती हैं, और बेरोजगारी बहुत है, सब बहुत ही गरीबी है हमारे नगर पंचायत में, तो उनके लिए कोई इस तरीके की योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं इस तरीके की आती हैं और वो धरातल पे नहीं आती हैं, कागजों पे ही पूरी कर दी जाती हैं, तो उनको धरातल पर लाने का काम करेंगे ताकि उससे हमारी बहनें, हमारी माएं उसका फायदा उठा सके। इशाद जी, बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है, जैसे कि आपने बताया कि वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो क्या ऐसी सुविधाएं जो दी गई हैं जो आपके क्षेत्र में पहुंची हो? सरकार की तरफ से तमाम मूलभूत सुविधाएं होती है जो गरीबों के लिए होती है, असहायों के लिए होती है? नहीं, वो धरातल पे तो हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई योजनाएं पूरी तरीके से लागू हो पाई हैं जी। वो कागजों पे पूरी हो जाती हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता होगी, हम अपनी टीम लगाकर उसको धरातल पर पहुंचाने का काम करेंगे। इशाद जी, आप राजनीति में हैं, अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, क्योंकि हमारे साथ इतना बड़ा जनसैलाब, इतना प्यार मोहब्बत और इतना प्यार मिल रहा लोगों का कि हमको यह अंदाजा नहीं हो रहा है कि सेकंड पोजीशन पे रनर के तौर पर हमारे सामने कौन आएगा। इतने भारी अंतर से हम जीतने वाले हैं और जहां तक हमारे सामने सत्ता पक्ष का प्रत्याशी है तो कहीं टिक ही नहीं रहे हैं, उनको हम भारी अंतर से हराने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने कोई चुनौती भी नहीं। इरशाद जी, जीतने के बाद 3 से 4 ऐसे काम बता दीजिए जो सबसे पहले आप अपनी प्राथमिकताओं में रखते हैं। हमने अभी आपको पहले भी बताया कि यहाँ एक पार्क की समस्या है जी, मंडप की समस्या है और एक प्ले ग्राउंड की समस्या है और महिलाओं के शौचालय की समस्या है। उसके अलावा
जो हाउस टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया है उस हाउस टैक्स को कम करना, अदा करना और साप्ताहिक बाजार वालों की समस्या को मिल बैठकर उसका परमानेंट हल निकालना और गंदगी का जो प्रकोप है उसको युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम कराना, और जो हमारा नगर पंचायत चूंकि इस बार विस्तार हो गया तो काफी गांव जोड़ दिए गए हैं, उन गांव से ही हमको जो है विकास के कार्य को नगर पंचायत जो पुरानी नगर पंचायत है वहां तक लाना होगा। गांव के लोगों को ये महसूस ना होने पावे कि हम नए नए लोग नगर पंचायत में जोड़े गए हैं, हमको विकास का कार्य वहीं से शुरू करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम आवास दिया जा रहा है, क्षेत्र में कितने लोगों को पीएम आवास की सुविधा मिली है? अब इसका डाटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमको जहाँ तक के हम लोग डोर टू डोर घरों तक जाते हैं तो हमको ये पता चला कि जो भी आवाज जिनको मिले हैं बगैर पैसा दिए किसी को नहीं मिले हैं, सबने किसी न किसी को पैसा दिया है, पैसे के बगैर नहीं मिले हैं। और हमारी प्राथमिकता होगी कि जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार व्याप्त है उस भ्रष्टाचार को भी समाप्त करना और जन जो सरकार की योजना है वो बगैर भ्रष्टाचार के जन जन तक पहुंचे। इरशाद जी, आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं, हम समाजवादी हैं और समाजवाद एक ऐसा नारा है, समाजवाद एक ऐसा पैगाम है जो डॉक्टर लोहिया से मिला, और समाजवाद तो चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है और इस्लाम की बुनियाद ही समाजवाद है, और जब समाजवाद मजबूत होगा तभी रामराज कायम होगा। इरशाद जी, समाजवादी पार्टी की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी जहां तक कि हमने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से शुरू की, तो हमने ये देखा कि समाजवादी लोग संघर्ष के आदि होते हैं और जनता की समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरने का काम, जेलों में भी जाने का काम करते हैं और जनता की समस्याओं के लिए हर कठिनाई का और सत्ता के आगे नहीं झुकने का और सीना तान कर खड़े होने का काम करते हैं। जी, आज की राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो आप कैसे विकास की गाथा लिखना चाहते हैं इरशाद जी? आज के राजनीतिक घटनाक्रम बस यही है कि हमको मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है, नफरत का बोलबाला जो हो रहा है उसके बीच हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नफरत से अब दूर रहिए, बहुत हो गया, आइए मिल बैठकर प्यार की बातें करें और मिलजुल कर एक साथ चलें। इरशाद जी, जल भराव एक बड़ी समस्या है जिससे कई बीमारियां पनपती हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, जो है जल भराव बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरी तरीके से बगैर किसी कमीशन के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंचाई जाएंगी और युद्ध स्तर पर नाली नालों की सफाई कराई जाएगी, तालाबों की सफाई कराई जाएगी और सुंदरीकरण भी तालाबों का होगा। केंद्र सरकार की तरफ से शौचालय दिया गया है, फ्री राशन दिया जाता है, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्षेत्र में कितना पहुंच रही हैं? देखिए, फ्री राशन का जहां तक कि आपने प्रश्न पूछा तो फ्री राशन जितना दिया जाता उससे कई गुना ज्यादा टैक्स के नाम पर कई कर ऐसे लगाकर जनता से वसूल लिया जाता है, तो वो तो एक एक साथ जनता को ठगा जा रहा है फ्री राशन देकर और जनता को अपाहिज और मजबूर बनाया जा रहा है। तो फ्री राशन की जो योजना है उससे हम समझते हैं जनता का हित नहीं, आहित हो रहा है। इरशाद जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता आपने बताया कि जनता आपको भरपूर समर्थन दे रही है, तो जनता के लिए आप क्या कुछ और अलग से करना चाहेंगे? नहीं, जनता के बीच अलग से जो हमारी मूल समस्याएं हैं, जो एक नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य क्षेत्र होता है उनकी अपनी सीमाएं एक चेयरमैन की होती हैं, उन सीमाओं के अंदर जितना भी अधिकार है उस अधिकार का भरपूर फायदा जनता को देने का काम करेंगे। टाइम टीवी के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बात सियासत की हो, अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। टाइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इरशाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी आप हमारे साथ देख रहे थे इरशाद जी, जो कि बाराबंकी से फतेहपुर से अपनी चुनाव लड़ रहे हैं।
बता दें कि इन्होंने जनता के बीच जाकर लोगों का समर्थन लिया है। बताया जा रहा है कि समाज सेवी के रूप में इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। नगर संग्राम में आज हमारे साथ थे इरशाद, जो कि चेयरमैन के प्रत्याशी हैं फतेहपुर से। आपको बता दें कि नगर संग्राम में हमारे साथ इरशाद अहमद थे। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 मई को होना है। पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में लगी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।